राधे राधे। आप सभी दोस्तों को वैशाख पूर्णिमा पर भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज एक पोस्ट में जानेंगे वैशाख पूर्णिमा के दिन की जाने वाले विशेष दान के बारे में, साथ ही जानेंगे कि वैशाख पूर्णिमा पर बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। वैशाख माह धर्म के लिहाज से बहुत ही पवित्र माह माना जाता है। वैशाखी एकादशी, वैशाखी अमावस्या के अलावा वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस बार वैशाख पूर्णिमा का पर्व कल मनाया जाएगा। इस दिन लोग दान पुण्य के अलावा विशेष पूजा करते हैं, साथ ही इस दिन गंगा में डुबकी लगाने का भी विशेष महत्व है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, लेकिन इस दिन पूजा तो सभी करते हैं और धन धान्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार पूजा और उपाय करते वक्त कुछ बातों को भूल जाते हैं या ये कहें कि अज्ञानतावश इसे करने से चूक जाते हैं। तो इस बार ऐसा ना करें और इस दिन विशेष रूप से दान जरूर करें। अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। संसार में सभी सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सभी धन पैसे रुपए की चाहत करते हैं। इन सबके लिए कर्म के साथ ही कुछ विशेष दिन होते हैं, जिस दिन थोड़े समय के लिए ऐसा विशेष मुहूर्त होता है जब भगवान भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। बुद्ध को भगवान विष्णु का नौवां अवतार माना गया है, जिन्हें इसी पावन तिथि के दिन बिहार के पवित्र तीर्थ स्थान बोधगया में बोध वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए ये दिन और महत्व वाला हो जाता है। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा सुदामा को भी इसी व्रत का विधान इसी दिन बताया था, जिसके पश्चात उनकी गरीबी दूर हो गई थी। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है और इसी वजह से बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब जानते हैं इस दिन का विशेष दान। वैशाख पूर्णिमा को जल कुंभ का दान जरूर करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर व्रत करते हैं तो सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन जल कुंभ चढ़ाने का विशेष महत्व है। स्नान के बाद पंचदेव भगवान श्री गणेश, सूर्य, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु और शिव जी का पूजन करें। इस दिन नया मिट्टी का कलश खरीद कर लाएं, जिसे मृत्यु के देवता धर्मराज के नाम से जल से भरें और भरे कलश को दान करें या मंदिर में रख दें। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से व्रती को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, ऐसी मान्यता है। इसके साथ इस दिन ये कार्य भी करें। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 या 7 ब्राह्मणों को चने का सत्तू, चीनी या गुड़ और तिल दान करने से भी मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान बुद्ध की भी पूजा होती है, इसीलिए इस दिन भूलकर भी मांसाहार नॉनवेज का सेवन ना करें, क्योंकि बुद्ध पशु हिंसा के विरोधी थे। तो दोस्तों, इस बार जलकुंभ का दान जरूर करें और नॉनवेज तो किसी भी रूप में सेवन ना करें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। हम आपसे अपनी एक समस्या बता रहे हैं। हम लीवर सोसी सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है, तो इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।